आगामी 29 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस बजट में हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स पर कम से कम 1 लाख की छूट उन्हें बेसिक लेवल पर और बढ़ानी चाहिए, तथा टैक्स की जो दरें हैं 10%, 20% और 30%, मूलतः 20 और 30 को जितना वो कम करके लाएंगे उतना मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो अन्य विकसित देश हैं जैसे सिंगापुर और हांगकांग, वहां पर व्यक्तिगत टैक्स दरें मैक्सिमम है 15.5-16 तक की, 15 से 16 के बीच में या 17 के बीच में, और कॉर्पोरेट की दरें हैं 17.5 से 20% के बीच में। हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स टैक्स ऑन ऑनेस्टी बन गया है रादर देन इनकम टैक्स इटसेल्फ। जो व्यक्ति ज्यादा ईमानदार होगा वो ज्यादा टैक्स देगा। इसको कम करने का उचित तरीका यह होगा कि हमारी टैक्स दरें कम करें ताकि इंसेंटिव फॉर मैनिपुलेशन कम से कम रहे। जब 30% की टैक्स दर होती है तब आदमी का लालच डोल जाता है और वो उसको टैक्स चोरी के लिए मजबूर कर देता है, और फिर वो उसको जस्टिफाई करता है गवर्नमेंट ये खर्चा नहीं कर रही, नेता लोग ये नहीं कर रहे। जैसे ही टैक्स दर कम होगी, मेरा ऐसा प्रबल रूप से मानना है कि टैक्स का कंप्लायंस वॉलंटरी कंप्लायंस बनेगा और खुद ब खुद लोग टैक्स अपनी इनकम को टैक्स को सब्जेक्ट टू करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हाई टैक्स इकोनॉमी में स्पेंड एक व्यक्ति के पास में जो स्पेंड कर सके या जो खर्च कर सके वो सरप्लस कम होता है। जैसे जैसे यदि टैक्स दरों में छूट दी जाएगी तो एक सामान्य व्यक्ति के पास में ज्यादा धन उपलब्ध रहेगा कि अपनी जरूरत की चीजों पर वो खर्च कर सके। यदि वो ज्यादा खर्च करेगा, हाई कंजम्पशन करेगा, तो उससे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जनरल इंप्रूवमेंट होगा और एक इसका कास्केडिंग इफेक्ट या उसका बढ़ता हुआ इफेक्ट अन्य इकोनॉमी के अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा, जिसमें रोजगार ज्यादा उत्पन्न होंगे, रोजगार से टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा और टैक्स फिर सरकार अन्य खर्चों में लगाएगी जिससे फिर रोजगार पैदा होगा। तो इस सर्कल को वित्त मंत्री को चाहिए कि इस सर्कल को कितनी तेजी से वो गति प्रदान कर सके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आम आदमी हैं और हम लोग आम बजट से आम आदमी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। पहली चीज़ तो मध्यम वर्ग के लिए बजट संतुलित होना चाहिए। आप हो सकता है लग्जरी आइटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स एट्सेट्रा, उन सभी की प्राइसेस आप बढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन जो आम आदमी का ज़रूरत है, रोजाना की चीज़ें, वो सभी की पहुंच में हो। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूं, तो मुझे लगता है कि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के हिसाब से कराधान में थोड़ा सा थोड़ी छूट या इस तरह का कराधान होना चाहिए कि लोगों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े उसका। लेकिन उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आम बजट इस तरह का होना चाहिए कि उससे देश की समूची अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो। केवल ऐसा ही ना हो कि पॉपुलिस्ट मेजर चलते रहें और देश का सत्यानाश होता रहे। आम बजट से तो ये उम्मीद है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बने, बिकॉज अभी जो एक आया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्होंने जो सेस लगाया है, सो वो एक कहीं ना कहीं एक आम लोगों से कलेक्ट करने से बेटर है कि अगर गवर्नमेंट ही अगर उसको प्लान कर रही है तो इस तरीके के जो सर्विस टैक्स बढ़ाना है या सेस लगाना है तो वो चीज़ें ना हो तो बेटर है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे ही सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, तो वो मिडिल क्लास फैमिली पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें को विशेष ध्यान रखना चाहिए। गैस हुआ और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें विशेष छूट मिली जाए, एक सैलरी पर्सन के लिए टैक्स में छूट दिया जाए। बजट जो है वो डेली बेसिस की नीड्स को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जैसे मध्यम वर्गीय लोग हो गए, उनके लिए पेट्रोल हो गया, घर गृहस्थी का सामान हो गया, गैस की टंकी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो उन सबको ध्यान में रख करके बजट आना चाहिए। उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, अब देखते हैं कैसा आता है। बजट से मेरी उम्मीद तो ये है कि सरकार अब करों पर बढ़ोतरी ना करे और जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको उनका दाम ना बढ़ाए, हो सके तो कम ज़रूर कर दे। जो आम लोगों से जुड़ी रहती है, सड़क पे जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, इस तरह के लोगों पर वजन ना पड़े।